गोरखपुर वन प्रभाग के महाराजगंज स्थित फरेंदा रेंज अंतर्गत भारी वैसी में बनने वाले जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का मुख्यमंत्री ने बुधवार को ऑनलाइन शिलान्यास किया। 15 करोड़ रुपए की लागत से 5 एकड़ में बनने वाली प्रदेश की पहली प्रजनन केंद्र के लिए 85 लाख रुपए की पहली किस्त जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह 2020 के समापन समारोह के दौरान शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का शिलान्यास करते हुए कहा कि हर जीव को संरक्षण देकर प्रकृति को बचाना होगा। गोरखपुर के एनएसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य वन संरक्षक दीपक कुमार सहित संबंधित विभाग के अधिकारी तथा वन्य जीव प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागी मौजूद थे। आपको बता दें कि हरियाणा के पिंजौर में बने जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की तर्ज पर गोरखपुर वन प्रभाग के महाराजगंज के फरेंदा में बनाए जा रहे हैं। यूपी के पहले जटायु संरक्षण केंद्र का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराजगंज में एक गिद्ध संरक्षण केंद्र भगवान विष्णु की परंपरा के वाहक के रूप में पर्यावरण की शुद्धि का एक नया माध्यम बनेगा। यह प्रकृति के संरक्षण के साथ ही उस क्षेत्र की इको टूरिज्म की ढेर सारी संभावनाएं भी पैदा करेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह 2020 के समापन समारोह के दौरान महाराजगंज में बनने वाले प्रदेश के पहले जटायु संरक्षण केंद्र के शिलान्यास के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आबादी बढ़ने के साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता जरूरी है। पर्यावरण का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं है बल्कि धरती का एक एक जीव हमारे इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करता है और जीवन चक्र इन सब के साथ जुड़ा होता है। इनमें से एक भी कड़ी अगर कमजोर होती है तो हम अपने इकोसिस्टम को कमजोर करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें गिद्धों को संरक्षण देकर अपनी प्रकृति को बचाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से डॉल्फिन जल की शुद्धि करता है वैसे ही गिद्ध थल की शुद्धि करते हैं। उन्होंने वन विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से प्रदेश में टाइगर, हाथी या गेंडे आदि वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका तात्पर्य कि विभाग अपेक्षित ध्यान देकर उन्हें अनुकूल वातावरण दे रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन जीव पर आधारित प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों से बात भी किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रतिभागियों तथा मंडलीय मुख्य वन संरक्षक दीपक कुमार ने बताया कि गोरखपुर वन प्रभाग अंतर्गत फरेंदा रेंज के भारी वैसी में जटायु संरक्षण केंद्र का निर्माण 5 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र में हो रहा है। यह पूरा प्रोजेक्ट 15 करोड़ रुपए का है जिसमें से 82 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। इस केंद्र को खास तौर पर किंग वल्चर के लिए बनाया जा रहा है। बुधवार को पहला वहां प्रोजेक्ट स्थल पर भूमि पूजन किया गया। इसके बाद कैंपियरगंज रेंज की ओर से शिलान्यास स्थल पर मौजूद बच्चों से सीएम का संवाद कराया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कुछ छात्र छात्राओं से भी वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण पर बात की। इसके साथ साथ 2 जुलाई को 240 जो पिछले वर्ष भी आपने किए थे, इस वर्ष हम सैंपल के रूप में करवा रहे हैं। ये गंदा करेंगे, ये मेटल पार्टनरशिप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ कई सालों से है काम करते हुए, उनके साथ इसका 50 साल हो गए। और मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके कॉन्जर्वेशन में हमको टाइगर, एलिफेंट, राइनो, एंजेली, डॉल्फिन, घड़ियाल और सारस के प्रोटेक्शन और कॉन्जर्वेशन में काम करते हैं। ये टाइम कम है, मैं सिर्फ ये इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अपने भारत में 50 टाइगर रिजर्व है। यूपी के जो टाइगर रिजर्व है वो बुधवार को पीडीपी मेरा मानना है और इनका इनका कॉन्ट्रीब्यूशन और जो यहाँ पे देते हैं कम्युनिटीज को करवाइएगा दिवस पूजन के बाद। आपको
चलिए इसको फाइनल करो। सर उस तरफ चले जल तथा वायु प्रदूषण रहे वातावरण के कारण बेतवा नदी के किनारे ललितपुर जनपद के देवगढ़ तथा झांसी जनपद के मोट क्षेत्र में वृद्धि की लगभग क्षेत्र में आबादी का घनत्व कम होने के कारण गिद्ध के विलुप्त होने के अधिकांश कारण यहाँ पर दुष्प्रभावी हैं। इसके कारण गिद्धों के वंश यहाँ पर आवश्यकता है संरक्षण एवं संरक्षण के प्रति जल जागरूकता। शिवरा महा जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है, इसी प्रकार ललितपुर जनपद के देवगढ़ में वृद्ध पर्वत माला के ऊपर राजघाटी नाहरघाटी गौतम गुफा जैन गुफा दशा अवतार मंदिर बारह रक्षोर धाम मंदिर कुछ कुंड गुफा आदि देखवा नदी के किनारे स्थित सामान्य उसके लिए पब्लिक के लिए सब ये हमने छोटी छोटी ये बनवाई है पुराने सप्ताह में। सांप सांप की प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करेंगे, सरल भाषा में बहुत अच्छे ये बनाए हैं। लाइन बनाई है डॉल्फिन बहुत ज्यादा हमारी बाहर निकल जाती है। ये हेल्पलाइन लॉन्च हुई है, इस हेल्पलाइन पे फोन कोई कर सकता है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि देश में ग्रीन कॉल बढ़ाने के लिए, इसलिए आगे भी जो आदेश आपका होगा उसमें हम चर्चा हम पालन करेंगे। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री का तहे दिल से साबित करते हुए कि आपने जिस तरीके से समय देकर के, मैं जानता हूं व्यस्त कार्यक्रम में से आपने जो समय निकाला है, निश्चित रूप से पूरे विभाग के लोग भावविभोर है हर्षित है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए विदा लेते हैं। धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, मानवर आपकी प्रेरणा है कि जो मुझे कहने में कोई इच्छा नहीं कि हमने वन्य प्राणियों के संरक्षण में चाहे जो भी हासिल किया हो वो मिला है। मैं मानवर आपका आशीर्वचन चाहता हूं कि प्रदेश के हमारे सभी अधिकारियों की उपस्थित रहें। वन्य प्राणी सप्ताह आज के इस समापन कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वन मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, प्रमुख सचिव वन श्री सुधीर गर्ग जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, वन विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी प्रशासनिक और वन विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण,
और इस अवसर पर जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित थी कि उन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करके सम्मान प्राप्त करने वाले सभी प्यारे बच्चे, मैं धन्यवाद दूंगा वन विभाग को कि उन्होंने वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद करके प्रकृति के प्रति एवं पर्यावरण के प्रति अपनी वचनबद्धता को आगे बढ़ाने का कार्य किया। कोविड 19 के बावजूद जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन विभाग के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड मात्रा में हम लोगों ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न किया। हम सब जानते हैं कि वृक्षारोपण का यह कार्यक्रम उन स्थितियों में किया था जहां हमें कोविड 19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना था, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जो एक चिंता लगातार पर्यावरणविद करते आ रहे थे, पिछले 3 वर्षों से लगातार रिकॉर्ड मात्रा में वृक्षारोपण का भी एक नया रिकॉर्ड वन विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बनाया जा रहा है। मैं इसके लिए वन विभाग को और उनकी पूरी टीम को, जो वन मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार न केवल वन आच्छादन की स्थिति को बढ़ाने बल्कि पर्यावरण के लिए बेहतर कार्य कर रही है, इसके लिए बधाई देता हूं। वन्य प्राणी सप्ताह के साथ ही आज जनपद महाराजगंज में गिद्धों के संरक्षण यानी जटायु संरक्षण केंद्र का भी शुभारंभ होने जा रहा है। वास्तव में जब हम वन्य प्राणी सप्ताह की बात करते हैं तो हमें भारत की अरण्य संस्कृति की ओर लेके जाती है। अगर आप देखेंगे हमारा जो सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है रामायण, रामायण में कैसे मनुष्य का अन्य प्राणियों के साथ संवाद और समन्वय से कैसे रामराज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, ये हम सब ने अपने इस पवित्र ग्रंथ के माध्यम से हजारों वर्ष पहले ही भारत की ऋषि परंपरा ने हमें अपने परंपरा और संस्कारों के माध्यम से करके दिखाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि इतने प्राचीन मनुष्य और उन जातियों के बीच जो संवाद था वह रामायण के कालखंड को पुनः हमें स्मरण कराता है, जब मनुष्य और बंदरों के बीच में, मनुष्य और भालुओं के बीच में, मनुष्य और जटायु के वंशज के बीच में एक जो संवाद उस कालखंड में होता है जिसने रामराज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। आज एक बार फिर से वन्य प्राणी सप्ताह का यह कार्यक्रम उन स्मृतियों को ताजा कर देता है। जनपद महाराजगंज में गिद्ध के संरक्षण का ही केंद्र ये वास्तव में एक अद्भुत प्रयास है। कुकरेल में हमारे यहां पहले से ही एक प्रजनन केंद्र है, खासतौर पर हम उसका देखते हैं कि घड़ियाल के प्रजनन केंद्र का जो एक बेहतरीन कार्य यहां पे चल रहा है वह अपने आप में इस बात को साबित करता है कि आबादी के बढ़ने के साथ वन्य जीवों के संरक्षण की भी आवश्यकता महसूस हुई है। पर्यावरण का मतलब केवल मनुष्य नहीं हो सकता, इस धरती का एक एक जीव
हमारे इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करता है और जीवन चक्र इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें से एक भी कड़ी अगर कमजोर होती है तो हम अपने इकोसिस्टम को कमजोर करते हैं। लेकिन प्रत्येक को संरक्षण देने, प्रत्येक के संरक्षण के माध्यम से अपने प्रकृति को भी और अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का जो कार्यक्रम हमारा है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। गिद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रकृति पर्यावरण की शुद्धि करते हैं। जैसे जल की शुद्धि के लिए डॉल्फिन का महत्व है, ऐसे ही थल के शुद्धि का जो सबसे बड़ा माध्यम है वह गिद्ध है। और यही कारण है कि हमने जब हमारी परंपरा में विष्णु को, भगवान विष्णु को सृष्टि के पालक के रूप में मानते हैं, तो सृष्टि का पालन तभी होगा जब सृष्टि में पर्यावरण की सुरक्षा होगी, शुद्धता रहेगी। स्वच्छ भारत मिशन उसका अभियान है, उसी अभियान का हिस्सा है। और गिद्ध उस शुद्धता का प्रतीक होता है। विष्णु की सवारी ही गिद्ध मानी जाती है। बहुत सारे देश दुनिया के ऐसे हैं, दुनिया का जो सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है इंडोनेशिया, उसने अपने राजकीय सवारी जो मानी है, यानी एयरलाइंस का नाम ही उन्होंने गरुड़ के नाम पे रखा है। यानी ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि दुनिया ने भारत के प्रकृति संरक्षण के इस महत्व को स्वीकारा है, लेकिन हमने विकास के इस आपाधापी में अपने पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े हुए इन प्रतीकों के साथ खिलवाड़ किया है। मैं धन्यवाद दूंगा कि जनपद महाराजगंज में आज एक गिद्ध संरक्षण का एक केंद्र भगवान विष्णु की उस परंपरा के वाहक के रूप में पर्यावरण की शुद्धि का एक नया माध्यम मिलेगा और यह सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के साथ ही प्रकृति के संरक्षण के साथ ही उस क्षेत्र के में पर्यटन की, इको टूरिज्म की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी करेगा। उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र माना जाता है और इसकी समृद्धता का आधार हमारा इकोसिस्टम है। हमें हर हाल में इसको बचाए रखना है, हर हाल में इसको आगे बढ़ाना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले कुछ समय से प्रदेश के अंदर वन्य जीवों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, चाहे वह हम टाइगर की बात करें, चाहे वह हाथियों की बात करें, चाहे वह गैंडों की बात करें या अन्य चीजों में, हर एक जगह काफी वृद्धि देखने को मिली है। इसका मतलब कि उस पर जो अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिए था वह विभाग ने दे करके और उनके लिए अनुकूल वातावरण देने का भी वहां पे प्रयास हुआ है। हमें एक दूसरे, कोई भी, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अगर मनुष्य किसी जानवर को, किसी पशु को नुकसान नहीं पहुंचाता तो वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जब हम उसके कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें भी उत्तेजना पैदा होती है और वह फिर अपने कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण करता है तो मनुष्य और वन्य जीवों में संघर्ष की स्थिति तब पैदा होती है। अगर हम सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए अपनी सीमाओं के अनुरूप उनके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बगैर अपनी व्यवस्था का संचालन करें और वह अपने कार्य क्षेत्र में काम करे तो कहीं भी संघर्ष की नौबत नहीं आएगी। इसलिए हमें उन भावनाओं को समझना पड़ेगा और इसीलिए वन्य जीव संघर्ष से होने वाली जनहानि पर सरकार ने अपने स्तर पर सहयोग की घोषणा भी की है और इसको सफलतापूर्वक हम लोगों ने विगत वर्षों से प्रदेश में प्रारंभ भी किया है। मुझे प्रसन्नता है कि वन्य जीव सप्ताह के इस समापन कार्यक्रम के अवसर पर आज अनेक यहां पे जो साहित्य प्रकाशन हुआ है, खासतौर पर वाल्मीकि की पर्यावरण चेतना पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके अलावा वन्य जीवों के स्वच्छंद विचरण हेतु आवश्यक कॉरिडोर हेतु गड़ा कॉरिडोर
के भी विमोचन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण के लिए शोध पुस्तिका का भी आज यहाँ पे विमोचन हुआ है और साथ ही साथ जटायु संरक्षण केंद्र कैंपियरगंज का भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसके माध्यम से प्रदेश के अंदर हम लोगों ये जो रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है वह भी वन और पर्यावरण मंत्री को उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आज सौंपने के साथ ही वन्य प्राणी सप्ताह के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन प्रतियोगिताएं हुई थी उनका पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ है और मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे अपनी बातों को जो उन्होंने उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन्होंने जो अपने आलेख लिखे हैं उसको उन्होंने वाचन भी किया है। COVID-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमें सारे कार्यक्रम करने पड़े हैं, फिर भी लोगों ने बच्चों ने रुचि ली है। मैं इन सभी बच्चों की प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में सभी लोग मिलकर के जो भी गाइडलाइन जारी की गई है हम उसका पालन करेंगे। मास्क पहन करके ही बाहर निकलेंगे, अनावश्यक बाहर नहीं निकलेंगे, दो गज की दूरी का पालन करेंगे और मेरा ये मानना है कि ये सब का पालन करते हुए अगर हम स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो हर प्रकार की बीमारियां अपने आप ही दूर होती हुई दिखाई देंगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से वन्य प्राणी सप्ताह के समापन कार्यक्रम के अवसर पर माननीय वन मंत्री जी को, विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, सभी प्रतिभागियों को जो भी यहां पर हैं, जनपद स्तर पर हैं, वन विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, इन सबको भी मैं हृदय से एक सफलतम आयोजन के लिए बधाई देते हुए हम प्रकृति और पर्यावरण के लिए अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर पाएंगे इस विश्वास के साथ अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। क्या गिद्ध है ये? बाज है। सामने देखो बेटा, सामने देखो। मेरा नाम ईशा सिंह राजपूत है, मैं 12वीं की छात्रा हूँ महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज। मैंने ऐसे में वन्य जीव प्राणी निबंध में मैंने भाग लिया था जिसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे वन जीव विलुप्त तो हो रहे हैं उनकी सुरक्षा किया जाए और उसमें जागरूकता फैलाएं और सबके उनको मारा ना जाए, उनको किसी के तस्करी के शिकार ना हो और हमें यही मैं बोलना चाहूँगी कि उसके उनके सुख देखभाल हो। मुख्यमंत्री जी ने कोविड कांफ्रेंस में बैठे थे, क्या मैसेज दिए हैं, क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो भी है उनका देखभाल किया जाए और उन्होंने बहुत सारे पुस्तकों का विमोचन भी किया है और सबको जागरूकता फैलाने की उन्होंने आदेश दिया है। दिलीप यादव, दिग्विजयनाथ इंटर कॉलेज चौक बाजार। मैंने वन्य जीव प्राणी संरक्षण सप्ताह के बीच में आयोजन पेंटिंग प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था, उसमें हमने थर्ड रैंक हासिल किया है और मैं दिग्विजयनाथ इंटर कॉलेज चौक बाजार का छात्र हूँ। वन विभाग के बारे में क्या सर? वन विभाग वन जीव के बारे में, वन्य जीव के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार हमारे समाज से या हमारे वन से विभिन्न प्रकार के प्रजातियों का विलुप्तीकरण हो रहा है, मैं उनके संरक्षण में सुझाव देना चाहूँगा कि सभी लोगों के बीच जागरूकता फैलाया जाए और इनके बीच एक नियम बनाया जाए कि सभी लोग हमारे वन्य जीवों का संरक्षण उचित तरीके से करें। वन्य जीव हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक पेड़ और जड़ के बीच कोऑर्डिनेशन होता है। अगर जड़ कट जाए तो पेड़ मृत हो जाता है, अगर पेड़ कट जाए तो जड़ वो नीचे चला जाता है। इसी प्रकार वन्य जीव हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं, इनके सुरक्षा के लिए हम जागरूकता फैलाना चाहेंगे। मैं अपर्णा निधि, कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ महाराणा प्रताप गर्ल्स इंटर कॉलेज की मैं छात्रा हूँ। जैसी दुनिया आपकी, हमारा भी एक संसार है,
गांव शहर है जगह आपकी, जंगल में हमारा परिवार है। जैसे हमें देखकर डर जाते हैं आप, आपको वन में पाकर सहम जाते हैं हम। घर हमारा छीन कर जान हमारी लेकर, पैसा का जो लोभ जगा है जाएगा आपकी जिंदगी लेकर। तस्करी हमारी अंगों की, लूट मची है वनों की, सोच रहे हो अपने फायदे की, बुझाकर रोशनी खुद घर की। रक्षा करो वन्य जीव की, रक्षा करो धरा पर जंगलों की, रक्षा माँ वसुंधरा की, यही रक्षा है जीवन की। वन बचाओ हवा बचेगी, वन बचाओ पानी बचेगा, वन बचाओ हम बचेंगे, वन बचाओ आप बचोगे। जंगल है तो हम है, जंगल है तो आप है, जंगल है तो जीवन है, जंगल है तो ही जगदीश्वर है। धन्यवाद। इस कविता के जरिए क्या संदेश देना चाहती? मैं इस कविता के जरिए ये संदेश मनुष्य को देना चाहती हूँ कि लोग जो है वो जीवों को एक तुच्छ नज़र से देखते हैं और उनको मारने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जीव हम पे खतरा कर देंगे, खतरा है और वो हमें मार डालेंगे, लेकिन उधर ही जीवों को लगता है कि मनुष्य हमारे लिए खतरे हैं और वो जो है वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो तो वो आपको भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो यही हमसे है कि मनुष्य को जानवरों के प्रति भी प्रेम करना चाहिए और उन्हें तुच्छ नज़र से नहीं देखना चाहिए, बस यही है मेरी। ये वीक जो होता है 1 से 7 अक्टूबर का, उसका अंतिम दिन था, एक समापन समारोह था, और लखनऊ से ये कार्यक्रम 10 से 10:30 के बीच ऑनलाइन हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी बच्चों को संबोधित किया। जो जो विजेता थे डिफरेंट कार्यक्रम्स के, जैसे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स बहुत हुई हैं, ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग ऑनलाइन, ऐसे ये सब सब हुई हैं। इसके अलावा कहीं कहीं गोष्ठी भी हुई, तो जो भी कॉम्पिटिशन्स में उनके विजेताओं को उन्होंने आशीर्वाद दिया। और ख़ासकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ हुई, जैसे वेटलैंड के क्षेत्र में भी यूपी में काफ़ी हुआ है कि रामसर साइट, 7 रामसर साइट हो गया है पूरे इंडिया में, 37 रामसर साइट में 7 रामसर साइट हैं यूपी के, जो आज वेटलैंड है, जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण आज गिद्ध संरक्षण केंद्र सबसे पहला यूपी का है, महाराजगंज में, कैंपियनगंज में, उसका शिलान्यास किया गया, वो प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। अभी तक पूरे भारत में 8 वल्चर सेंटर हैं, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, ये 9वां है। और ये राजगिद्ध का कहीं भी नहीं, वो दूसरे गिद्ध प्रजाति का, राजगिद्ध जो होता है किंग वल्चर, उसका पहला ये केंद्र है पूरे भारत में।